हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं रीमन इंटीग्रल की सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूंगा। बेटा लास्ट वीडियो में बेटा आपको बताया था एफ इज रीमन इंटीग्रल देन के एफ इज आल्सो रीमन इंटीग्रल। आज हम बात करेंगे बेटा इफ एफ इज रीमन इंटीग्रल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन मॉडुलस एफ इज आल्सो रीमन इंटीग्रल बट नॉट कन्वर्स। एंड हमने ये भी प्रूव करना है बेटा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए टू बी मॉडुलस एफ एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट बेटा फर्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, मॉडुलस एफ इज रीमन इंटीग्रल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमें क्या गिवन है, एफ इज रीमन इंटीग्रल। सो एफ क्या हो गया बेटा, बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। So, fx modulus less than equal to k. Okay. Because बेटा हमने जब कंडीशन पढ़ी थी necessary and sufficient conditions में क्या है bounded function। उसके बाद क्या प्रूव किया था रीमन कि क्या कंडीशन थी necessary UPF minus LPF less than epsilon। तो क्लियर है रीमन इंटीग्रल तो bounded तो हो गई। अब हमने ये प्रूव करना बेटा, इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, फर्स्ट इसको bound modulus fx, इसको क्या लिखेंगे बेटा मॉडुलस एफ एक्स, मॉडुलस एफ इनटू एक्स क्या लिखेंगे मॉडुलस एफ ऑफ एक्स, दिस वन इज लेस देन के। तो मॉडुलस एफ एक्स क्या आ गया लेस देन इक्वल टू के, तो हम क्या लिखेंगे मॉडुलस एफ भी क्या है बेटा ऑन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एक्स किसमें बिलोंग कर रहा है बेटा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे, बाउंडेड प्रूव कर दिया। मैंने क्या प्रूव करना बेटा यहाँ पे यू पी एफ मॉडुलस माइनस एल पी एफ मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, मैंने ये प्रूव कर दिया। तो इसके लिए मुझे क्या कर सकते, तो पी पार्टीशन है, पार्टीशन आपको मालूम है बेटा, पार्टीशन क्या होती है ए इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स एन इक्वल टू पी। और हमें एफ क्या गिवन है रीमन इंटीग्रल, सो यूपीएफ माइनस एलपीएफ क्या आ गया लेस देन एप्सिलॉन। यहां पे मैंने एम आई स्मॉल एम आई एंड कैपिटल एम आई क्या रखा, इंफीमियम एंड सुप्रीमियम ऑफ एफ ऑन एक्स आई माइनस वन एक्स आई। एम आई डैश एंड कैपिटल एम आई डैश इंफीमियम एंड सुप्रीमियम ऑफ मॉडुलस एफ ऑन xi माइनस वन एक्स। देखो बेटा पहले आपको जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल सब बताया, ये देखो आप एग्जाम्पल, मैंने साइन x का ग्राफ ले लिया बेटा, ये किसका ग्राफ है साइन x, और मॉडल साइन x का ग्राफ क्या होगा बेटा ये मॉडल साइन x का ग्राफ। तो मैंने जैसे इंटरवल जीरो सॉरी पाई से थ्री पाई बाई टू ले लिया xi आई माइनस वन एक्स आई, आप इसको सेलेक्ट करो। तो बेटा आपको मालूम है पहले साइन x का जो एम आई क्या होगा और कैपिटल एम आई क्या होगा, आपको ना डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो थ्री पाई बाई टू पे वैल्यू क्या होती है माइनस वन, पाई पे वैल्यू क्या होती है जीरो, ये इंफीमियम सुप्रीमियम आ गया। यदि हम मॉडल साइन x का ग्राफ देखें बेटा उसमें एम आई डैश क्या बनेगा वन, क्योंकि साइन थ्री पाई बाई टू मॉडुलस साइन थ्री पाई बाई टू, साइन थ्री पाई बाई टू कितना होता है बेटा माइनस वन, माइनस वन का मॉडुलस वन, एंड एम आई डैश क्या होगा जीरो। तो बेटा एम आई डैश माइनस एम आई दिस वन इक्वल टू क्या आ गया वन, और यहाँ पे बेटा एम आई माइनस एम आई डैश ये भी वन। तो हमारे पास बेटा ये कंडीशन होगी एम आई डैश माइनस एम आई डैश इज ऑलवेज लेस देन एम आई माइनस एम आई। अभी आपको प्रूव भी कर रहा हूँ बेटा मैं, वैसे इक्वल भी होगा और लेस देन भी होगा। कैसे, लेट मैंने एस आई एंड टी आई टू एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, इसमें बेटा एक्स आई माइनस वन एक्स आई, लेट मैंने एम आई डैश क्या लिख लिया एफ एस आई सॉरी मॉडुलस एफ एस आई, क्या लिखेंगे बेटा इसको एफ एस आई द मॉडुलस, एंड कैपिटल एम आई क्या लिखा मैंने मॉडुलस एफ टी आई। बिकॉज बेटा इसमें इंफीमियम सुप्रीमियम तो है, मैंने कंसीडर कर लिया बेटा यहाँ पे ये क्या है इंफीमियम, इस पे क्या है सुप्रीमियम, एफ टी
TI the modulus. Then MI dash minus MI dash. बेटा आपको मालूम है supremum is always greater than equal to infimum minus infimum the modulus. Because modulus x equal to x, x is positive. आपको ना ये value क्या है positive. ये क्या बना बेटा F TI the modulus minus F SI the modulus. सारे the modulus. यहाँ पे value put कर. बेटा आपको ये result मालूम है ना A modulus minus B modulus. सारे का modulus is always less than A minus B the modulus. आप check कर सकते हो बेटा. यदि दोनों पॉजिटिव है फिर तो इक्वल आएंगे. यदि एक नेगेटिव है फिर क्या आएगी वैल्यू बेटा लेस. जैसे देखो ए की वैल्यू मैं 2 ले ली, बी की वैल्यू माइनस 3, 2 द मॉडुलस 2, माइनस 3 का मॉडुलस 3, 2 माइनस 3 कितना हुआ बेटा माइनस 1, माइनस 1 का मॉडुलस 1, 2 प्लस 3 5, तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी वैल्यू 5, ऑलवेज लेस. तो दिस वन इज लेस देन इक्वल टू एफ टी आई माइनस एफ एस. अब आपको मालूम है जो मैंने लिखा है एम आई एंड कैपिटल एम आई एंड स्मॉल एम आई, ये इसके इन्फिमियम एंड सुप्रीमियम है. तो ये वाली वैल्यू इसके बीच में आ रही है कहीं भी. तो ये क्या है इन्फिमियम सुप्रीमियम, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एम आई माइनस एम आई से क्या होगी कम. तो ये किसके इक्वल आ गया एम आई माइनस एम आई इज ग्रेटर देन स्मॉल एम आई. तो मेरे पास ये रिजल्ट बन गया बेटा. देखो एम आई डैश माइनस एम आई डैश लेस देन इक्वल टू एम आई माइनस एम आई. ओके क्लियर है. अब मैं ये प्रूव कर रहा हूँ बेटा. देखो बेटा यूपी एफ मॉडुलस माइनस एल पी एफ मॉडुलस दिस वन इक्वल टू समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके अंत तक एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश डेल्टा आई. एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश अभी प्रूव किया लेस देन इक्वल टू 1 से लेके अंत तक एम आई माइनस एम आई डेल्टा आई. ये क्या हो गया बेटा यूपीएफ माइनस एल पी एफ. हमने ये लिखा बेटा ये क्या है लेस देन एप्सिलॉन. तो मेरे पास ये क्या आ गया लेस देन एप्सिलॉन. तो मॉडुलस एफ क्या हो गया बेटा रीमन इंटीग्रल इन क्लोज इंटरवल. अब इसके बाद मैंने ये प्रूव करना है बिल्कुल सिंपल है. आपको मालूम है मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स एंड एक्स मीन्स माइनस एक्स इज लेस देन मॉडुलस एक्स, एक्स लेस देन मॉडुलस एक्स. तो आपने ये यूज करना है बेटा माइनस एफ एक्स ठीक है लेस देन इक्वल टू एफ एक्स द मॉडुलस ठीक है एंड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एफ एक्स. सो मेरे पास क्या आ गया बेटा माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी मॉडुलस एफ एक्स डी एक्स एंड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज लेस देन ए टू बी मॉडुलस एफ एक्स डी एक्स. कंबाइन दिस केस देखो बेटा ये रिजल्ट कंबाइन दिस केस मैक्सिमम ऑफ दिस इनका मैक्सिमम ये तो बेटा वैल्यू फिक्स ही है ना. इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या आ रही है बेटा मॉडुलस एक्स. तो क्या लिखेंगे मॉडुलस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज लेस देन ए टू बी एफ मॉडुलस एक्स डी एक्स. यही हमने क्या करना था बेटा क्लियर है बेटा. तो ये था ये. अब इसका कन्वर्स कन्वर्स में नोट जैसे देखो बेटा यहाँ पे मैंने क्या कहा था एफ इज रीमन इंटीग्रल देन मॉडुलस एफ इज आल्सो रीमन इंटीग्रल बट नॉट कन्वर्सली मॉडुलस एफ इज रीमन इंटीग्रल बट एफ इज नॉट रीमन इंटीग्रल. देखो बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ लेट कन्वर्स. अब मैं यहाँ पे क्या प्रूव कर रहा हूँ मॉडुलस एफ इज रीमन इंटीग्रल बट एफ इज नॉट रीमन इंटीग्रल. लेट मैंने एफ एक्स कंसीडर कर लिया बेटा 1 इफ एक्स इज रैशनल माइनस 1 इफ एक्स इज इरेशनल ठीक है बेटा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. देन बेटा हमें मालूम है क्लियर है एम आई क्या होगा बेटा माइनस 1 कैपिटल एम आई क्या होगा बेटा 1
एक्स आई माइनस वन एक्स आई के लिए सब इंटरवल ले लिया, उसमें इन्फाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर होंगे, तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन, जब रैशनल है उसकी वैल्यू क्या आ रही है वन, देन एल पी एफ क्या बनेगा बेटा, समेशन आई इक्वल टू वन से लेके एन तक आगे एम आई डेल्टा माइनस वन समेशन डेल्टा किसके इक्वल होता है बेटा बी माइनस ए, तो मेरे पास क्या आया ए माइनस वन। यू पी एफ इक्वल टू समेशन वन से लेके एन तक एम आई डेल्टा वन समेशन डेल्टा क्या बनेगा बेटा बी माइनस ए। ओके मेरे पास ये वाला बेटा ए माइनस बी एन बी माइनस ए। तो इसके बाद लोअर लिमिट इंटीग्रल क्या होता है बेटा, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एल पी एफ, तो वो क्या आ गया बेटा ए माइनस बी। अपर लिमिट इंटीग्रल क्या आएगा बेटा मेरे पास, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी यू पी एफ क्या आएगा बेटा बी माइनस ए। तो लोअर लिमिट इंटीग्रल नॉट इक्वल टू अपर लिमिट इंटीग्रल, तो एफ लिमिट इंटीग्रल नहीं है। पर यदि मैं मॉडुलस एफ ले लूं बेटा यहां पे, तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी वन एक्स रैशनल माइनस सॉरी वन एक्स इरेशनल, तो मॉडुलस एफ क्या हो गया मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन आ गया। आपको मालूम है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज रीमन इंटीग्रल, तो मॉडुलस एफ क्या हो गया बेटा मेरे पास रीमन इंटीग्रल। तो क्लियर है बेटा एफ इज रीमन इंटीग्रल देन मॉडुलस एफ इज रीमन इंटीग्रल, यदि मॉडुलस एफ इज रीमन इंटीग्रल देन वी से एफ मे नॉट बी रीमन इंटीग्रल। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा बेटा नेक्स्ट।